हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोगों को टीनिया कैप्टिस के बारे में बताऊंगी। टीनिया कैप्टिस हेयर में होने वाला एक इन्फेक्शन है जो कॉमनली 3 से 7 साल के बच्चों में पाया जाता है, और वो भी खास करके जो बॉयज़ होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा ये इन्फेक्शन होता है। स्कूल गोइंग बच्चों में सबसे ज़्यादा इन्फेक्शन ये पाया जाता है। सर पे रिंग वॉर्म हो जाना, सर पे दाद का हो जाना, वो होता है टीनिया कैप्टिस। ये एक प्रकार का सुपरफिशियल इन्फेक्शन है, सुपरफिशियल फंगल इन्फेक्शन है। जो फंगस होता है वो सर पे सुपरफिशियली यहाँ पे इन्फेक्शन बनाना शुरू कर देता है, जो कि आपके पूरे स्कैल्प मतलब आपके जो सर के जो एरिया है वो पूरा एरिया में इन्फेक्शन हो जाता है, पूरा फैल जाता है। आपके हेयर में जो बाल है उसके हेयर के शाफ्ट में, हेयर के फॉलिकल्स में, हेयर की पूरी जड़ है, बाल के सारे जड़ में ये इन्फेक्शन फैल जाता है। ये रिंग वॉर्म जैसे इन्फेक्शन होता है, जो दांत खाज खुजली होता है, सेम एज इट इज हेयर में भी, सर पे भी ये इन्फेक्शन होता है। इसके कारण क्या क्या हम ये देखते हैं, तो सबसे पहली बात डर्मेटोफाइट्स। डर्मेटोफाइट्स एक प्रकार का बैक्टीरिया फंगस है जो कि आपके हेयर हो गया, स्किन हो गया, और जहां जहां केराटिन प्रेजेंट होता है, आपके नेल्स हो गए, आपके हेयर हो गए, यहाँ केराटिन प्रेजेंट रहता है, केराटिन नाम का जो प्रोटीन प्रेजेंट रहता है, वहां वहां ये फंगस इन्फेक्शन ज्यादा इफेक्ट करता है। दूसरी बात, अगर मान लो किसी को ये इन्फेक्शन हुआ है, अगर इन्फेक्शन हुआ है तो जो नॉन इन्फेक्टेड पर्सन है जिसको नहीं हुआ है वो इसकी चीज़ें यूज़ करता है, इन्फेक्टेड पर्सन की चीज़ों को वो यूज़ करता है, तब वो इन्फेक्शन इसको फैलने की पूरी चांस रहती है। दूसरा है, आपको अगर आप कहीं नमी वाले एरिया में ज़्यादा रहते हैं, जहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी, जहाँ नमी है, वहाँ पर अगर ज़्यादा सर्वाइव करते हो लंबे समय के लिए, तो भी आपको इन्फेक्शन हो जाता है। दूसरी बात, जो मेनोपॉज़ वाली वुमेन है, जिनकी महावारियां रुक गई है, ऐसी वाली वुमेन है, उनमें हार्मोनल चेंजेस होता है, तो हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी उनके सर पे ये इन्फेक्शन हो सकता है। फंगल इन्फेक्शन, अगर आपके बॉडी में कहीं पे फंगस इन्फेक्शन है, रिंग वॉर्म इन्फेक्शन है, अगर आपने उसको खुजली करके सर पे खुजली कर दिया तो वापस वो आपको इन्फेक्शन करना स्टार्ट कर देता है। उसके बाद इन्फेक्टेड पर्सन से क्लोज कॉन्टैक्ट रखना, अगर मान लो इसको इन्फेक्शन और आप इससे क्लोज कॉन्टैक्ट रखते हो, उसके साथ चिपक के बैठते हो, सब कुछ शेयर करते हो, तो वो चीज़ आपको फैलने के लिए हो जाता है। नेक्स्ट है शेयरिंग, अगर आप उनकी ब्रश शेयर कर रहे हो, उनका टॉवल शेयर कर रहे हो, उनका कप शेयर कर रहे हो, उनके कैप शेयर कर रहे हो, उनके बेडशीट उनके बगल में सो रहे हो, तो सब सारे कारण की वजह से इन्फेक्शन आपको भी फैल सकता है। और है जैसे कि आपके घर पे कोई पालतू जानवर है, पालतू जो भी है, जिनको ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुका है, उनके अगर कांटेक्ट में हो, अगर आप उनके साथ खेल रहे हो, टच हो रहे हो, तो इन्फेक्शन आपको भी स्प्रेड करेगा। अब हम देखेंगे इसका सिम्टम, इसका लक्षण क्या क्या है। तो सबसे पहले ये आपके हेयर के शाफ्ट को इफेक्ट करता है, जो हेयर फॉलिकल्स उसके पूरे जड़ और सबके एंडिंग तक सबको ये इफेक्ट करता है। उसके बाद आखिरी में वो हेयर लॉस करा देता है, जिस एरिया में इन्फेक्शन हुआ है वहां बाल नहीं रहेंगे, कभी कभी पूरा सर के बाल को भी लॉस करा देता है, एलोपेशिया बोलते हैं उसको। पर्सन को इचिंग होगा बहुत ज्यादा उस एरिया में, स्काल्प में ज्यादा इन्फेक्शन हुआ, बहुत ज्यादा इचिंग करेगा, खुजली करेगा, रैसेस होंगे, रैसेस बहुत ज्यादा रेड रेड रैसेस दिखेंगे, दाने टाइप के दिखेंगे, और साथ में रिंग वॉर्म, रिंग शेप्ड टाइप का इन्फेक्शन होगा, ऐसे गोला टाइप का रहेगा जिसमें ये पूरा इन्फेक्टेड रहेगा, स्काल्प इस तरीके का दिखेगा। ये कैसे होता है, सबसे पहले आपके हेयर के शाफ्ट को इन्फेक्ट करेगा, इन्फेक्शन घुसेगा, घुसने के बाद में वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा, स्प्रेड होने के बाद पर्टिकुलर एरिया जहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है उसको पूरा खाली कर देगा, उस एरिया का हेयर लॉस कर देगा, वहाँ इन्फ्लामेशन होगा, इन्फेक्शन होगा, रेडनेस होगा, रैसेस दिखने स्टार्ट होंगे। फिर कई बार अगर आप इसको ट्रीट नहीं करते हो तो एब्सेस फॉर्मेशन हो जाएगा, एब्सेस मतलब पस भर जाएगा उस एरिया में। अब हम लोग देखेंगे टीनिया कैप्टिस से किस तरीके से ट्रीटमेंट किया जाता है। तो इलाज में डॉक्टर हमेशा आप लोगों को एंटी फंगल मेडिकेशन के बारे में बताएंगे। एंटी फंगल मेडिकेशन जो रहता है फंगस के खिलाफ काम करना, फंगस को डिक्रीज करेगा। एंटी फंगल मेडिकेशन और जो शैम्पू होते हैं वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं इस केस में। ग्रिसोफ्लुविन मेडिकेशन है और टर्बिना फाइन हाइड्रोक्लोराइड, ये दो मेडिकेशन हैं जो एंटी फंगल के काम करते हैं और ये टीनिया कैप्टिस से बचाते हैं। टर्बिना फाइन हाइड्रोक्लोराइड वो एडल्ट के लिए यूज होता है, एडल्ट लोगों के लिए। उसके बाद आइट्रोकोनाजोल एंड फ्लुकोनाजोल, ये 3 मेडिकेशंस है जो आपको एंटीफंगल से एंटीफंगल का काम करेगा और आपको टीनिया कैप्टिस से बचाएगा। उसके बाद कुछ मेडिकेटेड शैम्पू होते हैं, कीटोकोनाजोल और सेलेनियम सल्फाइड, ये 2 मेडिकेशन है, शैम्पू है, मेडिकेटेड शैम्पू है, आपको हफ्ते में 2 बार यूज करना, आपके हेयर में स्काल्प में जेंटली मसाज करके फिर वॉश करना है।
उसके बाद देखेंगे प्रिवेंशन कि आपको कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहली बात, आपको गुड हाइजीन मेंटेन करना है, मतलब स्वच्छता देखना है, आपको अच्छे तरीके से स्वच्छ रहना है, साफ सुथरा, बालों की सफाई, पूरे शरीर की सफाई अच्छे तरीके से आपको करना है। दूसरी बात, आपको जिस भी इन्फेक्टेड पर्सन है उसके कांटेक्ट में नहीं रहना है, उससे दूर रहना है। जब तक उसका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता, आपको उनसे दूरी बना के रखनी है, तभी वो इन्फेक्शन आपको नहीं होगा। तीसरी बात, आप इन्फेक्टेड पर्सन के कुछ भी चीज़ शेयर नहीं करोगे, कंघी, शैम्पू, हैट, टॉवेल, बेडशीट, कुछ भी नहीं शेयर करना है। उसके बाद जो भी मेडिकेशन है, एंटीफंगल मेडिकेशन, डॉक्टर ने जो प्रिस्क्राइब किया उसको रेगुलरली यूज़ करना है, तभी आपको जल्दी से जल्दी ठीक होगा। ये मेडिकेटेड शैम्पू यूज करना है प्रॉपरली एज पर डॉक्टर रिकमेंडेशन, जैसा डॉक्टर ने बोला है मेडिकेटेड शैम्पू यूज करोगे। उसके बाद आपको पेट और एनिमल्स है, ऐसे जो एनिमल्स जो बाहर घूम रहे हैं या फिर आपके पेट खुद के जो पालतू एनिमल्स हैं, उनसे आपको दूर रहना है। जब तक उनका इन्फेक्शन ठीक नहीं हो जाता तब तक आपको उनसे दूर रहना है, दूरी बनाए रखना है। तो आज के टॉपिक में हमने पूरे तरीके से देखा कि टीनिया कैप्टिस क्या है, कैसे होता है, कैसे वो बढ़ता है, उसके क्या लक्षण है, उससे क्या ट्रीटमेंट है, उससे कैसे बचा जा सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।